नमस्कार आपण देखुछन्ते अर्गस न्यूज मध्यान खबर को स्वागत करूछु माथुरी प्रथम हेडलाइंस दुर्नीतिरे तदंत परिसरभुक्त हेले मुख्य शासन सचिव लोकायुक्तक निकटरे हेमंत शर्मा व चामिनी सडंकी हाजर आसंता 23 सुधा उत्तर रखिबा को सरकार को निर्देश पंगस साजिछे केन्द्रापड़ा पुलिस महिला को मरणांतक आक्रमण पर आईएसी कहते हाथ लगे नाते अभियुक्त 10 दिन पर भी नो आक्शन प्रश्न घेर में नीतीश शेखरन को कोविड कटकणा को अमान्य बाण विक्रय निषेध सत्व अनुकूल तालचेर बाण बिक्री जनक बासभवन में चढ़ाऊ कर 50 लाख टंकार बाण जबत कला पुलिस दुई अटक अर्णव को उठाई नला मुंबई पुलिस घटना को इमरजेंसी सह तुलना कले प्रकाश जावड़ेकर चतुर्थ स्तंभ और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आक्रमण को देशव्यापी निंदा राज्य में 24 घंटे 1474 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटाइन 855 स्थानीय संक्रमण 619 राज्य में 2,95,899 पहुंचला मामला सेपटे 12 जन मृत्यु होगा महामारी अमेरिकार राष्ट्रपति निर्वाचन चली वोट गणते ट्रंप और बाइडेन जोरदार टक्कर 6 राज्य में ट्रंप 9 राज्य में बाइडेन विजय हिंसा को नहीं ह्वाइट हाउस कड़ा सुरक्षा व्यवस्था विजिलेंस जेल में अनुकूल बईटा ग्राम्य उन्नयन विभाग कनिष्ठ जंत्री आय बहिर्भूत संपत्ति टूल अभियोग में विजिलेंस चढ़ाऊ ऑफिस सरकारी बास होमेन समेत पैतृक शशुर घर एक कालीन रेड एवं वायुसेनार बढ़ा शक्ति भारत को मिल आउ 3 राफेल युद्ध विमान आज संध्या सुधा अम्बला एयरवेज में पहुंचा नहीं सूचना पूर्व आसी 5 विमान आसिया संपूर्ण खबर को मास्क और पीपी किट किणारे दुर्नीति तदंत परिसरभुक्त हेले मुख्य शासन सचिव लोकायुक्त पाखे हाजर हेले हेमंत शर्मा और चामिनी षडंगी परचेजिंग कमिटी कहीं प्रश्न कला लोकायुक्त तेज आसंता 23 भितर उत्तर रखा निर्देश दि जाए नवेम्बर 23 मामलार परवर्त शुणी हो लोकायुक्त मत कहले जो रिप्लाय को पढ़ु 23 तारीख में चीफ सेक्रेटरी जो देवे रिप्लाय देवे ए रिप्लाय को आधार करके आपण जहाँ आप कहतु तापर आम फाइनाल शुणाणी एवं जो कथा गुड़िक मौलिक कथा मुझे उठेली माननीय लोकायुक्त पाखे जे जो समय आम राज्य मेडिकल कॉर्पोरेशन 16 टंका रे मास्क किनिछि सही समय रे केमिति अन्य राज्य माने किए 1.5 टंका किए 4 टंका किए 8 टंका रेट्रे केमी किणले अन्य राज्य माने एवं यूनियन टेरिटरी माने सही प्रश्न मौलिक प्रश्न मुझे माननीय लोकायुक्त पाखे उत्थापन कली है ना से माननीय लोकायुक्त उठेले प्रश्न जे कहीं मझे चेंज है कमिटी एक्चुअली प्रथम जो कमिटी होता से कमिटी प्रथम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से कमिटी करथिले एवं से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ही से कमिटर एक्चुअली अध्यक्ष रहिबा कथा किंतु परवर्ती अवस्था रे हेमंत शर्मा किभली भाव रे से परचेजिंग कमिटर चेयरमैन हेले एही कथा गुटे संदेहर सृष्टि करिछि लोकंक भितरे एवं जोथि पई कि माननीय लोकायुक्त चीफ सेक्रेटरी को तदंतर परिसरभुक्त को आणिकी जे कोउ परिप्रेक्षी रे हेमंत शर्मा परचेजिंग कमिटर चेयरमैन हेले ताकु से प्रश्न करछन्थि चलित मस नवेम्बर ही खोल स्कूल और सब कल्पना जल्पनार पुनच्छेद पक मंत्री समीर दास तेज गणशिक्षा मंत्री एने सूचना देखते चलित मसने स्कूल खोल सहित क्यों क्यों क्लास होने सूचना देखते गणशिक्षा मंत्री समीर दास पूजा छुट्टी पर नवम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत पिला स्कूल आसवे से संपूर्ण स्कूल हो स्कूल छाड़ा को अभिभावक राजी नहले ऑनलाइन क्लास व्यवस्था करोना को दृष्टि रखी पाठ्यक्रम 30% ह्रास कर आगो को पाठ्यक्रम आउ अधिक ह्रास होबनी बोली गणशिक्षा मंत्री स्पष्ट करिछन्ते एने अधिक आलोचना आम सहित आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि फोनलाइन आम सहित जोड़े रही दिव्यज्योति महांति दिव्य जहाँ आशा कराला जहाँ कल्पना जल्पना लग रही है दीर्घ एटी आम कहीपर पखापाखि 8-9 मास तार पुनच्छेद पड़ी किंतु चलित बर्ष खोल अर्थात चलित बर्ष नवेम्बर मसर एवं ये हूँ चलित मस जहाँ कहुपर नवेम्बर स्कूल खोल एने सूचना देखते गणशिक्षा मंत्री समीर दास सहित जानकू चाहबू कौन कौन सब एसओपी जारी कर
ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅନଲକ୍ ଫିକ୍ସ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ନଭେମ୍ବର 16 ପରଠୁ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡିକ ଖୋଲାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏମଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆସିଥିଲା, ସ୍କୁଲକୁ ପୂଜା ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସିଏମଓ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁପାଳନ କରିବ। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଏସ୍ଆର୍ସି ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପରେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯଦି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଚାହିଁବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଫେରିବା ପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଂଶୀଦାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅଂଶୀଦାର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜି ଅଛି। ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି ଆଜି ରହିଛି, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ନଭେମ୍ବରର ଯୋଉ ପୂଜା ଛୁଟି ଅର୍ଥାତ 14 ପରେ କାଳୀ ପୂଜା ପରେ 16 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଓ ଏବଂ ଡିଓ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇ ସାରିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଟକିଛି। ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେହେତୁ ଆହୁରି 70% ସିଲାବସ୍ ପଢେଇବାକୁ ବାକି ରହିଛି, 30% ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 70% ସିଲାବସ୍ ପଢେଇ ବାକି ରହିଛି। ତ 2 ଭିତରେ କିଭଳି ପଢାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ପଢାଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟକିଛି। ଯାହା ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସରକାର ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା, ଯଦିଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କଣ ରହିବ ତାହା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡିବ। 16 ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 16 କି 16 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ଖୋଲିବ ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ବିଭାଗୀୟ ବୈଠକ ବସିଛି, ପାଖାପାଖି କଣ ନିଷ୍କର୍ଷ କରାଯାଉଛି, ଏହି ବୈଠକରୁ କଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅଛି, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନିଟାଇଜେସନ କରାଯାଇନି, ଅନେକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡି ରହିଛି। ତ ସେମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେହେତୁ କୋରୋନା ବଢିବାନି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କୋରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବଢିଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିଛି, ତ ଏବେ ସେଥିରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ହୁଏତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ 70% ସିଲାବସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଯିବ, ନଭେମ୍ବର 16 ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପଢିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅଂଶୀଦାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବୈଠକ ନେଉଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ରିସ୍କ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣାଯିବ ସ୍କୁଲକୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଯିବ। ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ନେଉଥିବା ବୈଠକରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ, ତେବେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ବୈଠକ ବସିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ହୁଏତ 16 ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରେ, ଏବଂ ଯଦିଓ କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାଡିବାକୁ, ତ ଅନଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, COVID-19 ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ବାଣ ବିକ୍ରୟ ନିଷେଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଏବେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ବାଇପାସ୍ ନିକଟ SBI ATM ନିକଟରେ ଜଣଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆତସବାଜି ବିସ୍ଫୋରକ ବାଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ବାଣର ମୂଲ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ତାଳଚେର ସଦର ପୁଲିସ୍ 2 ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ରେ ମୋର୍ଟାର
बांतु टिकिरा छक निकटरे थिबा सुधा क्लिनिक सम्मुखरे जणे युवकक मृतदेह उद्धार होईछि। तबे स्थानीय लोके नाळ भितरे पडिथिबा सबकु देखि टाउन पुलिस को खबर देबा परे घटनास्थलरे पुलिस पहुंचि युवकक मृतदेह को उद्धार करा जायथिला। मृत युवक जणक खजुर टिकिरी पडार राजु महाराणा। तबे एहा एक हत्याकांड बोली कहा जाउथिबा बळे घटनार तदंत आरंभ करिछि टाउन थाना पुलिस। अनुगुल जिला नालको थाना निकटरे दुर्घटना। 55 नंबर जातीय राजपथरे जलखिया दोकानी को धक्का दला बस। तांको गुरुतर अवस्था जिला मुख्य चिकित्सालय को निया सेठे डाक्तर तांको मृत घोषणा करते। मृत जलखिया दोकानी जनक कांडसर गांव बसंत बारी परिवा मार्केट्रु घर को जाता बेले अपर पार्श्वर आसुवा बस टी धक्का देता। घटना को नहीं उत्तेजना देखा देवासह स्थानीय लोक मैंने रास्ता अवरोध करते। पुलिस घटनास्थल में पहुंची बस को जबत करने घटनार तदंत जारी रखी। रिपब्लिक टीवी एडिटर अर्णव गोस्वामी गिरफ। मुंबई बासभवन उठाई नेला पुलिस। बिना नोटिस किंवा कोर्ट अर्डर देखाई गिरफ करा एपरिक गिरफ करने समय अर्णव एवं पर आक्रमण कर रिपब्लिक टीवी पक्ष खबर प्रसारण कर घटना को नहीं विभिन्न महल में तीव्र निंदा कर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी कहते हैं महाराष्ट्र सरकार का फासीवाद संकेत देपर केन्द्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं जरूरकालीन दिन को मन पकड़ केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी ट्विट कर प्रतिक्रिया रखिंट वर्तमान चुप रहिबार अर्थ दमन को समर्थन करने से अभिनेत्री कंगना रणावत कहते महाराष्ट्र सरकार आते स्वर को बंद करेंगे। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान घटना को कड़ा समालोचना कर 2018 एक मामलें अर्णव को गिरफ्त कर मुंबई पुलिस कही शिवसेना नेता संजय रावत कहते प्रमाण आधार में होगी कार्यानुषान। तेज आज सका 6 मुंबई पुलिस 10 अधिक कर्मचारी अर्णव को मुंबई स्थित बासभवन उठाई नहीं। अर्णव चैनल में काम कर जड़े आर्किटेक्ट और माँ 2018 आत्महत्या कर अभियोग आ मामलें अर्णव को गिरफ्त कर मुंबई पुलिस पक्षर कह मामलार ठीक भाव तदंत हो अभियोग पर गत मे मसने मामला को पुणि थे रिओपन कर प्रजातंत्र में इससे खराब दिन कुछ नहीं हो सकता है। कोई वरिष्ठ पत्रकार को एक न्यूज चैनल की एडिटर को ऐसे अमानवीय व्यवहार करना उनके मानवीय अधिकार को हनन करना इसको कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा करने से भी कम होगा। और एक राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है उनकी बात वहाँ की स्थानीय सरकार और विशेष करके उनकी जो आका है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की आला कमान उनको पसंद नहीं होता है इसलिए उनके ऊपर ये जालती किया गया है उनके ऊपर ये अत्याचार किया गया है इसको हम निंदा करते हैं। मुझे मालूम नहीं मैंने देखा नहीं मैंने सुना है आपसे। महाराष्ट्र में कानून का राज है। इस राज्य में कोई भी गैर कानूनी काम को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। पुलिस को अधिकार है पुलिस स्वतंत्र है उनके पास अगर कोई जांच के लिए एक्शन के लिए कोई एविडेंस है तो महाराष्ट्र की सरकार और यहाँ के राजनेता कभी भी पुलिस के कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करते। शेष होइछि अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन पर मतदान वर्तमान जारी रही वोट गणना। भारतीय समय 8:30 बेल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 6 राज्य में विजय होते ओकलाहोमा टेनेसी मिसिसिपी दक्षिण दोकोटा एवं उत्तर दाकोटा एवं आलबामा में जीति से ट्रंप का प्रतिद्वंदी जो बाइडेन 9 राज्य में जीति सारी आयरलैंड न्यूजर्सी मासाचुसेट्स मेरीलैंड इलिनोइस डेलावार कलरोडो न्यूयॉर्क एवं कनेक्टिकट रे विजय होती बाइडेन। तेरे प्राथमिक तदंतर जहाँ जमापड़ी बाइडेन कड़ा मुकाबला वर्तमान समय जारी रही। राज्य में गत 24 घंटे 1474 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते एमं 855 क्वारंटाइन सेंटर रही बेले 619 जन स्थानीय संक्रमण रही। आक्रांत को मिसाई राज्य में 295,898 मामलें पहुंची एने सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षर् सूचना दी जाए। अनुगुण 76 बालेश्वर 78 बरगढ़ 68 भद्रक 19 बलांगीर 98 बौद्ध 5 कटक 120 देवगढ़ 7 ढेंकानाल 18 गजपति 5 गंजाम 33 जगत सिंहपुर 67 जाजपुर 39 झारसुगुड़ 39 कलाहां 36 कंधमाल 19 केन्द्रापड़ 56
केन्दुझर 69, खोर्धा 175, कोरापुट 23, मालकानगिरी 29, मयूरभंज 52, नवरंगपुर 30, नयागढ़ 20, नुआपड़ा 46, पुरी 73, रायगढ़ 7, संबलपुर 37, सोनपुर 5, सुंदरगढ़ 104 और राज्य पुल 30 जन चिन्हट। अनुगुल जिला बैंटा ग्राम उन्नयन विभाग कनिष्ठ जंत्री घरे विजिलेंस चढ़ाव कर कनिष्ठ जंत्री वसंत कुमार बस्तिया बैंडा स्थित सरकारी बासभवन और नियाली स्थित बासभवन में एक कालीन आज सका कटक और अनुगुल विजिलेंस विभाग मिलित चढ़ाव कर सूचना रही। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग चढ़ाव कर एक कालीन भाव बसंत पैतृक घर कटक जिलार नियाली सीठा शशुर घर और अनुगुल बैंटार रेड चली बैंटार नगद 80,000 टंका मिलता बेले नियाली 500 ग्राम सुना जबत हो। बसंत कुमार बस्तिया जेई अच्छा आरडी डिजन बईंडारे अभोग क्रमे आयभूत संपत्ति ठूल कर पैतृक घर पिथा चारिमला घर गोटे कर बईंडार 80,000 टाँग जबत हो बर्तमान सुधा ये प्राय 500 ग्राम खंड हम सुना बाहर ओट हेले जना पड़े तार भैल्यू घर मूल्य चारिमला प्राय कोटी उपर हे पैतृक घर प्राय 80-90 लक्ष हम आकी इन्सुरांस बैंक बालान्स भेरीफाए कराऊपे। कोरापुट जिला लमतापुटर पुणे कोटे टंकार गंजेई जबत होइछे। गोटे पिकअप भ्यानु कोटे टंकार गंजेई सह बंधुक जबत करिछे पुलिस। तबे गंजेई चालाण करथिबा माफिया माने फेरार होइ जाइछन्ती। माछकुंड पुलिस एवं बीएसएफ पक्षरु मिलित भाबे कुम्बिंग अपरेसन चलिथिबा बेले एही गंजेई जबत होइछे। नंदपुर एसडीपीओ लमतापुट माछकुंड जलापुट पुलिस 5 जणिया टीम गठन करी हनुमाला ग्राम निकटरे चेकपोस्ट लगाइथिले। अन्यपक्ष बीएसएफ को माओवादी चलप्रचल सूचना मिलवा पर कुम्बिंग अपरेसन चलता से ही समय एक पिकअप भ्यान द्रुत गति में हनुमान मालन गाँ दे आसुवा बेले पुलिस और बीएसएफ अटकई अंधारर सुजोग नहीं गाड़ी छाड़ ड्राइवर चंपट मारी गाड़ी जांच कर प्राय 8 क्विंटाल अधिक गंजे और एक पिस्तल सह 2 गुड़ जबत कर पुलिस पिकअप भ्यान को जबत कर गंजे जबत मूल्य 1 कोटी टंका है पुलिस पक्ष सूचना मिली। भारतीय वायुसेना को अधिक शक्तिशाली करने आज आउ 3 राफेल युद्ध विमान भारत में पहुंचुची। एही विमान आगमन सहित वायुसेन शक्ति आहुरी वृद्धि पाइबा युद्ध क्षेत्र में शत्रु मानक मुकाबला कर युद्ध विमान पूर्वथर पर एथर मध्ये 3 जाक राफेल जेट हरियाणा स्थित आम्ला एयरवेज भारतीय माटी को स्पर्श कर आज संध्या सुधा राफेल भारत में पहुंच सारी सूचना रही। फ्रांस उड़ाण भरने 3 राफेल युद्ध विमान रास्त कौन स्थान में न ठके सीधा भारत में पहुंच पूर्व फ्रांस आसीतिबा राफेल युद्ध विमान बाटरे संयुक्त आरब एमिरेट्स अटकी। खोर्धा जिला ओलसिंघर पाट राज्य तथा राज्य बाहर बेस प्रसिद्ध लाभ करेंतु यह शिल्प बुड़जाक बसला उपयुक्त पारिश्रमिक न पाइबार कारीगर मैंने कौलिक वृत्ति छाड़ अन्य वृत्ति करने को आग्रह प्रकाश कले सरकार प्रोत्साहन अभाव बुणाकार मैंने निरुत्साहित होती। हजिबाको बसिछि खोर्धा ओलसिंघ पाटशिल्प ये हेउछि खोर्धा जिला ओलसिंघ ग्राम पंचायत पाटरासाही स्वर्गत दासरथी पटनायक अवदान रे पाटरा मानक पई जागा दान परे वंशानुक्रमी भाबे पाटरा माने बसवास करि आछन्ति। एठारे ओलसिंघ पाटरासाही रो बुणाकार मानकर टसर पाट मठा कांटिया चदर ओ पाटसाडी पई बेस चाहिदा रही आछि। विवाह पर्वपर्वाणी और मांगलिक कार्य समय ओलसिंह खोजा पड़े आउ टसर खोसारू प्रस्तुत साड़ी महिला मानकर बेस पसंद मध्य आसीथाय। मयूरभंज सुंदरगढ़ केउछरु टसर खोसा आनी निजे एठारे सूता प्रस्तुत करी साड़ी बुणा हुए आउ विभिन्न अंचलर लोके ओलसिंह आसी पाट वस्त्र किनिथांती।
तेबे कोरोना कटकणा जोगु सब बंद होई जाइछि। बुणाकार माने अभाव असुविधा रे चलुथिबा बेले बाध्य होई कामधंदा छाडी अन्य काम प्रति मन बळेलनि। सरकार को जहाँ प्रोत्साहन मिलुछि समुद्र को संख्ये किंतु जाल सुधा ओडिसी पाटर मर्यादा आज पर्यंत भारत वर्ष बंची रही है। बहुत आड़े ना अच्छे ओडिसी पाट मठार किंतु दुर्भाग्य बर्तन वृत्ति हजी जाए। आमर ये बुणाकार संप्रदाय लोक मैंने जी बुणाबुणि करते आज सोसाइटी अचल होगा पशिले जेहेतु गवर्नमेंट किसी सहायता ना सहानुभूति ना ये कि ना ये मजूरी ना कि कंचामाल भी ना। बर्तमान आम सब बाहर कम कर मूल्य पारिश्रमिक मूल्य भी दे हूँ गवर्नमेंट दे पाऊनि। बर्तमान तो सब असुविधा चलती लॉकडाउन जो बहुत असुविधा चलती जहाँ भी कम कर लुगापड़ा भी चलुनि कि नचलवा हेतु आम बहुत असुविधा हो जो मैंने दौंस भी आसिक लुगापड़ा नौ ना सेमती थुआई सरकार तरफ कि भी मिलना कौन सी जिनस एपर्तंत कि मिलनी आम प्राइवेट हिसाब से लोक जो मैंने दौंस कम कर सेपटे बुणाकारंक पई ओळसिंग उइभर सोसाइटी समिति प्रतिष्ठा होइतिला। समिति आरंभरु 123 जण बुणाकार थिले हेले बेठारे क्रमशः बुणाकार संख्या धीरे धीरे कमिबारे लागिछि। सरकारंक आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन अभावरु ओळसिंग पाट वस्त्र बंद हेबाकु बसलाणी बोली कहिछन्ति उइभर सोसाइटीर संपादक। ये सोसाइटी 1957 मसीह करा गढ़ाला स्वर्गत रघुनाथ पटनायक सोसाइटी की करते निज चेष्ट सैट की गवर्नमेंट रू लीज जगह आणिकी 60 जन पर जगह 80 डिसमिल हिसाब से दि जाए कि सरकार कौन सी सहानुभूति ना सहयोग ना कि सोसाइटी बुणाकार मान बहुत असुविधा चलुंट कम पाँगा कम न पाइव से बाहर को चली जा। आमे तो चेष्टा करूचु सबळे तांकु माने समितिर संबळकु धरिकिरि आमे चेष्टा करूचु तांकु केंदा आमे बुणाकार मानकु केमति कंचामाल जोगै पारिबु। तापर आमर जो अछि ओटा अछि प्रमोशन अफ हैंडलूम इंडस्ट्री योजना रे बुणाकार मानकु तंत हला कि तंत सरंजाम हला किंबा ट्रेनिंग हला से सब दबा पई तबे सरकार जदि एमानक प्रति दृष्टि दे प्रोत्साहन राशि जोगाई दियंते तबे हुए तो शिल्प आग को आहुरी अग्रसर होई परंता। खोर्धारु विक्रम केसरी साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सारा ओडिशा रे विख्यात ओळसिंगी पाट एवं डूबी जावाक बसलाणी एठारे रहुथिबा बुणाकार परिवार एवं दुर्दिन ना मिलुछि तंकु सरकारी सहायता ना पाउसे पाउछंदी सरकारी प्रोत्साहन देखा जाऊ सरकार नजर ए बुणाकार परिवार उपरे केबे पड़ुछि। खोर्धार विक्रम किशोरी साहू अर्गस न्यूज। जिछि केंद्रापड़ा पुलिस आ महिला को मरणांतक आक्रमण परे आईएससी बढ़ुछंति अजब चुक्ति कहिले महिला को देहरे हाथ तो लगाई नहांति अभियुक्त जोरा बारीमूल पूर्वतन समिति सभ्य कांचन पाड़ा को आक्रमण हेबार को 10 दिन बीतलाणी हेले एजाए कोनसे एक्शन निया गलानी जहाँ को नहीं प्रश्न घेर को आसी टीम निर्देशकर आंटको जड़े महिला को मरणांतक आक्रमण होषोटी स्टेज लगता बेले महिला अवस्था गुरुतर रही है तदंत कर अभियुक्त को धरवा बदल में सुरक्षा देउछि पुलिस। मत बाड़ बाड़ मो मुंड फटे रक्ताक्त कर जीवन रू मारिद बोली शेष करदेव बोली कहला मारी मध्य देला हेले मु आईएसी की देखा कली आईएसी कहले आर जथेष्ट एविडेन्स मो पाखे अच्छी पदक्षेप नेला बेलू 307 लगे आसामी खुलुम खुला बुलू थे तो दुआर मो मड़ुना मो पु एसपी की देखा गला एसपी को देखा पाइलानी टेलीफोन माध्यम रे कथा हला एसपी भी एफआईआर नंबर नेले तथापि किछि कार्यानुष्ठान नौना आज की 10 दिन हला। समय सरी बुलेटिन को इठी रखुचु अधिक खबर पाई देखुता अर्गस न्यूज। नमस्कार।